अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, टॉपिक GW बेसिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो GW बेसिक है। GW बेसिक लैंग्वेज क्या है, इस पे कैसे काम किया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेज हैं जिनके ऊपर काम करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं। GW बेसिक से पहले फोरट्रान, पास्कल, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होती थी। अब बेसिक लैंग्वेज है GW बेसिक। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू GW बेसिक, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक, स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, करैक्टर सेट ऑफ बेसिक्स, रिजर्व वर्ड्स एंड वेरिएबल्स। आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 2.1, इंट्रोडक्शन ऑफ GW बेसिक। GW बेसिक क्या होती है, ये किस तरीके से वर्क करती है, किस शख्स ने इसको डेवलप किया। द बेसिक लैंग्वेज वॉज डिवेल्प बाय जॉन कैमने एंड थॉमस कॉर्ट्स इन 1963 एट डिपार्टमेंट एट डार्टमाउथ कॉलेज USA। USA के कॉलेज डार्टमाउथ में 1963 में जॉन कैमने और थॉमस स्कॉट ने GW बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था। इट वॉज इन्वेंटेड एज एन इंट्रोडक्शन टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल टूल को टीच करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई। इट वॉज डिवेल्प टू एड्रेस द कम्प्लेक्सिटी इशू ऑफ ओल्डर लैंग्वेज। इस लैंग्वेज से पहले जो लैंग्वेज यूज होती थी उन लैंग्वेज की कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए, उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये GW बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया गया। GW बेसिक इज एन इंटरप्रेटेड फॉर बेसिक। GW स्टैंड फॉर बिगनर, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंट्रोडक्शन कोड लैंग्वेज। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड लैंग्वेज। देयर आर मैनी अदर ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर का लफ्ज़ यूज हुआ है। ट्रांसलेटर का क्या मतलब है? ट्रांसलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो
एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा टूल है जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। मसलन कंप्यूटर की लैंग्वेज है 01 यानी बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर से जब हम काम करते हैं तो हम बेसिकली इंग्लिश और मुख्तलिफ लैंग्वेज पे काम करते हैं, जबकि कंप्यूटर इस चीज़ को आसानी से नहीं अंडरस्टैंड करता, बल्कि कंप्यूटर जब भी अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो इंग्लिश की लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर तीन किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं कंपाइलर एंड दूसरे को कहते हैं इंटरप्रेटर और तीसरे ट्रांसलेटर को कहते हैं असेंबलर। फॉर बेसिक फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स सच एज क्यूबेसिक, क्यूबेसिक स्टैंड फॉर क्विक बेसिक, विच प्रोवाइड्स अ मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट टू राइट एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स, जो के मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है राइट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिक प्रोग्राम्स को। हेयर वी शैल रेफर टू ओनली GW बेसिक बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड ईजी टू यूज इन्वायरमेंट। सबसे आसान और सिंपल किस्म का जो इन्वायरमेंट जो लैंग्वेज प्रोवाइड करती है वो बेसिक लैंग्वेज है, इसलिए इस बुक में हम GW बेसिक पे डिटेल से बात करते हैं। GW बेसिक के अंदर मुख्तलिफ मोड्स पे काम किया जा सकता है। जो मोड्स इस लैंग्वेज में काम करते हैं, जिन मोड्स पे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं वो हैं, आर्टिकल नंबर 2 में आर्टिकल 2.2 मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। इस बेसिक लैंग्वेज के अंदर जिन मोड्स पे काम किया जा सकता है अब हम उनको डिस्कस करने लगे हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड्स इन GW बेसिक्स। GW बेसिक्स कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स, ये 2 मोड के अंदर काम कर सकती है। एक मोड को कहते हैं डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड, और दूसरे मोड को कहते हैं इनडायरेक्ट मोड। ये 2 मोड हैं GW बेसिक के अंदर जिन पर हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। When GW Basic is loaded, it shows OK message. जब GW Basic लैंग्वेज लोड होती है तो ये OK का मैसेज शो करती है। At this stage, it is an direct mode. इस स्टेज पर हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट मोड के अंदर काम करती है। At this stage, it is direct mode. हम ये कह सकते हैं कि अब ये डायरेक्ट मोड पे काम कर रही है। इन डायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप। डायरेक्ट मोड के अंदर जैसे ही हम कमांड को राइट करते हैं ये उसी वक्त ही उसको एग्जीक्यूट कर देती हैं।
दूसरी लैंग्वेज की तरह एक प्रोग्राम को जब लिखा जाता है तो कंप्लीट प्रोग्राम लिखने के बाद उसको रन किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, मगर इस लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे ही हमने कोई कमांड लिखी, जिसने उसको एग्जीक्यूट किया और उसका रिजल्ट शो कर देती है। Results of arithmetic and logical operations can be displayed immediately. Arithmetic operation जो है plus, minus, subtraction और multiplication, इन ऑपरेशन को जैसे ही हम टाइप करते हैं ये उसी वक्त उसका रिजल्ट हमें दे देती है। बट द कमांड्स themselves आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन हो जाती है तो वो कमांड जो होती हैं वो लास्ट हो जाती हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो शो कर दिया जाता है। इन दो मोड्स को एग्जाम्पल की मदद से समझने के लिए हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल को देखते हैं। डायरेक्ट मोड में जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं ये देखें स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट मोड की एग्जांपल देखते हैं कि जब हम GW Basic के अंदर डायरेक्ट मोड में काम करते हैं तो ओके का मैसेज शो होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। हमने कमांड दी प्रिंट 4+5, ये 4+5 यानी ये जो प्लस का साइन है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। तो जैसा कि हमने इसके बारे में पढ़ा, जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं ये एग्जीक्यूट होने के बाद जब हम इसको टाइप करते हैं ये उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो शो कर देते हैं और कमांड जो होती है ये लास्ट हो जाती है। इस प्रोग्राम के अंदर राइट 4+5 जैसे ही हमने कमांड टाइप की और उसने फौरी तौर पर उसका रिजल्ट हमें दे दिया 9। दूसरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद उसको कंपाइल किया जाता है, रन किया जाता है, फिर उसका जो रिजल्ट है वो शो होता है। जबकि यहाँ GW Basic के अंदर जैसे ही हम कोई कमांड टाइप करते हैं उसका रिजल्ट फौरी तौर पर हमें शो हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, ओके प्रिंट 8 × 8। जैसे ही हमने कमांड दी 8 × 8 से तो हमें फौरी तौर पर आंसर मिला 64 और जो कमांड थी हमारी वो लास्ट होगी और जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसका जो रिजल्ट है वो हमें फौरी तौर पर मिल चुका है और नेक्स्ट फिर ओके का मैसेज आ चुका है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें स्टूडेंट, ओके प्रिंट 1000 - 1।
जैसे ही हमने कमांड दी प्रिंट करें 1000-1, तो उसका आंसर जो है फौरी तौर पर हमें मिला 999 और ओके का मैसेज भी हमें शो हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर देखें कि हमने कमांड दी प्रिंट 144 डिवाइडेड बाय 12। यू नो स्टूडेंट कि जब 144 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी 12 आता है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने कमांड दी है कि प्रिंट करें 144 को डिवाइड करने के बाद 12 से, तो इसका आंसर देखें 12 फौरी तौर पर हमें मिल चुका है और ओके का मैसेज भी शो हो चुका है। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं। इस लैंग्वेज के अंदर दो मोड हैं, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। अभी हम डायरेक्ट मोड पे बात कर रहे हैं, लास्ट एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट मोड की, फिर हम इनडायरेक्ट मोड पे बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा वेलकम टू क्लास 10th। क्लास 10th में तमाम स्टूडेंट को वेलकम किया जाता है। जैसे ही हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, कमांड दी कि वेलकम करें क्लास 10 को, तो देखें ये कमांड तो लास्ट हो चुकी है, मगर जो चीज़ हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जो रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, फौरी तौर पर हमें मिला वेलकम टू क्लास 10th और ओके का मैसेज भी आ चुका है। इस तरीके से हम डायरेक्ट मोड में GW बेसिक के अंदर डायरेक्ट मोड पे काम करते हुए, जैसे ही हम कमांड को टाइप करते हैं फौरन हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। जबकि दूसरी लैंग्वेज हैं C++, जावा एंड अदर लैंग्वेज, उनके अंदर ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। उनके अंदर ऐसा होता है कि आप प्रोग्राम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम कंप्लीट जब कर लेते हैं सारी हेडिंग, फिर बाद में प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, अगर किसी किस्म का कोई एरर हो उसको चेक किया जाता है, फिर उसके बाद रन किया जाता है और फिर आपको उसका जो रिजल्ट है वो शो होता है। मगर GW बेसिक के अंदर डायरेक्ट उसी वक्त हमें जो उसका रिजल्ट है वो मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मोड पे। इनडायरेक्ट मोड क्या होता है, इस पे कैसे काम किया जाता है। इनडायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड इज यूज टू टाइप प्रोग्राम। जिस तरह डायरेक्ट मोड पे भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसी तरह इनडायरेक्ट मोड पे भी प्रोग्राम लिखेंगे, मगर डायरेक्ट मोड की तरह यहाँ काम नहीं होगा, कुछ अलग काम होगा। जो डिफरेंस होगा वो हम देखते हैं कि यहाँ क्या फ़र्क होगा। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। हमेशा के लिए जो प्रोग्राम स्टेटमेंट होती है वो लाइन नंबर की हिसाब से प्रोसीडेड की जाती है एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी, और कंप्यूटर के अंदर किसी मेमोरी के अंदर। स्टूडेंट आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो कंप्यूटर के अंदर किसी ना किसी मेमोरी की लोकेशन के अंदर वो डाटा सेव हो जाता है।
The program loaded in memory is executed by entering the run command. जब वो प्रोग्राम जो मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसको लोड किया जाता है, लोड करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है, कब? बाय एंटरिंग रन कमांड। जैसे ही हमने प्रोग्राम लिखा, वो मेमोरी के अंदर सेव हो चुका। अब बाद में हम उसको लोड करेंगे और फिर रन की कमांड देंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और जो हमारा रिजल्ट होगा, जो उसका आंसर होगा, वो हमें देगा, वो हमें प्रोवाइड करेगा। ये एक एग्जांपल है। ओके ऑटो, ऑटो एक कमांड है जिसका मतलब ये है कि जब भी आप इनडायरेक्ट मोड में काम करेंगे तो ये लाइन नंबर जो है ये खुद से लिखेगा। दूसरी लैंग्वेज पे जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन जो होती है वो नेक्स्ट नंबर होता है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 4 अप टू सो ऑन, इस तरह चलता है। मगर GW बेसिक के अंदर इस तरह नहीं होगा। जो पहली लाइन होगी वो 10 से स्टार्ट होगी। किस डिजिट से स्टार्ट होगी? वो 10 से स्टार्ट होगी। जो अगली लाइन होगी वो 20 से स्टार्ट होगी। तो ये ऑटोमेटिकली 10, 20, 30, जैसे ही हम अगली लाइन पे जाएंगे तो ये लिखा आएगा। ये कैसे हुआ? जब हमने कमांड ऑटो टाइप की तो ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम के अंदर, मतलब पहली लाइन के अंदर देखें, हमने लिखा प्रिंट करें 786 डिवाइडेड बाय 3, कि हम चाहते हैं 786 को 3 से डिवाइड करके हमें इसका रिजल्ट दिया जाए। डायरेक्ट मोड की तरह हमें फौरी तौर पर इसका रिजल्ट नहीं मिला। एक तो डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट मोड की तरह यहाँ फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे लाइन नंबर शो हो रहे हैं। जैसे ही हमने एंटर किया तो नेक्स्ट लाइन आ गई। जब नेक्स्ट लाइन आएगी तो वो 20 शो होगा, यानी कि लाइन नंबर 20 है। प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक। दूसरी जो हमने कमांड दी है वो लिखा है वेलकम टू GW बेसिक, और फिर हमने एंटर किया तो तीसरी लाइन पे हमने एंड कर दिया कि हमारा प्रोग्राम क्या हुआ है, एंड हो जाता है। ओके किया, अब प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर सेव हो चुका है। जैसे ही हमने रन की कमांड दी, ये रन की कमांड हमने दी तो देखें, जो हमने प्रिंट कमांड दी थी 786 डिवाइडेड बाय 3, तो उसका आंसर आ गया 262। दूसरी हमने कमांड दी थी प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, और इसका आंसर आ चुका है वेलकम टू GW बेसिक और ओके। इसकी मजीद एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इनडायरेक्ट मोड की मजीद एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इनडायरेक्ट मोड के अंदर जो पहली एग्जांपल है हम उसको देखने लगे हैं। सबसे पहले ओके का मैसेज, हमने नेक्स्ट जो कमांड टाइप की वो टाइप की ऑटो। जैसे ही हम ऑटो टाइप करेंगे तो 10, 20, 30 नेक्स्ट लाइन जो है हमें नंबरिंग देती जाएगी। पहली कमांड हमने लिखी प्रिंट करें 4+5। नेक्स्ट दूसरी कमांड हमने टाइप की वेलकम टू क्लास 10th। तीसरी कमांड हमने प्रोग्राम के अंदर टाइप की 81 डिवाइडेड बाय 9, और नेक्स्ट लाइन पे हमने इस प्रोग्राम को एंड कर दिया और देखें ओके का मैसेज शो हो चुका है कि हमने जो प्रोग्राम टाइप किया है वो एंड हो चुका है, इट्स ओके। जैसे ही हमने रन की कमांड टाइप की, नेक्स्ट हमने रन की कमांड टाइप की तो स्टूडेंट्स देखें 4+5 का जो आंसर वो 9 आता है, तो हमें फौरन उसका आंसर 9 मिल चुका है।
दूसरी कमांड के अंदर हमने लिखा था वेलकम टू क्लास टेंथ, तो देखें इसका रिजल्ट, दूसरी कमांड का रिजल्ट हमें मिल चुका है वेलकम टू क्लास टेंथ। तीसरी कमांड में हमने लिखा था 81 डिवाइडेड बाय 9, तो जब हमने 81 को 9 से डिवाइड किया तो हमें 9 उसका रिजल्ट मिल चुका है और ओके का मैसेज भी हमें मिल चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके हमने कमांड टाइप की ऑटो। अगर स्टूडेंट हम ऑटो की कमांड टाइप नहीं करते तो हमें ये 10 भी खुद से लिखना पड़ता। हम लिखते 10 प्रिंट 4 4 4 4 माइनस 2 2 2 एंड 2। फिर जब हमने अगली लाइन पे जाना था एंटर प्रेस करने के बाद ये 20 फिर हमें टाइप करना पड़ना था अगर हम ऑटो की कमांड टाइप ना करते। जैसे ही हमने ऑटो की कमांड टाइप की, एक लाइन पे हमने कमांड दी, अगली लाइन पे जब हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन का जो नंबर है वो लिखा हमें मिलता है। तो जो लाइन का फ़र्क है वो 10 का है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, इसी तरह ये लाइन नंबर चलता जाएगा। दूसरी लाइन के अंदर हमने कमांड दी कि प्रिंट करें 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तीसरी लाइन पे हमने जो कमांड दी है प्रिंट वेलकम टू पाकिस्तान। लाइन नंबर 4 पे हमने कमांड दी प्रिंट इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लाइन नंबर 5 पे देखे हमने जो पहली लाइन है उसको नंबर असाइन हुआ है 10 का, दूसरी को 20 का, तीसरी को 30 का, चौथी को 40 का और फिफ्थ वाली को 50 का। यहाँ हमने कहा जी एंड, कि हमारा प्रोग्राम एंड करता है, ओके का मैसेज हमें शो हो चुका है, जी ओके आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है। स्टूडेंट जैसे ही हमने रन की कमांड टाइप की, रन की कमांड हमने टाइप की तो पहली जो हमने कमांड दी थी 4 4 4 4 माइनस 2 2 2 एंड 2, तो उसका आंसर देखिए हमारे पास पड़ा हुआ है 2 2 2 एंड 2। नेक्स्ट जो हमने कमांड दी थी 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 6, जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो देखें मल्टीप्लीकेशन होने के बाद हमें इसका आंसर मिल चुका है। तीसरी कमांड हमने टाइप की वेलकम टू पाकिस्तान, हमें वेलकम टू पाकिस्तान भी रिजल्ट शो हो चुका है। लास्ट जो हमने कमांड टाइप की थी प्रिंट इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो देखें इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान रन करने के बाद हमने जितनी भी कमांड टाइप की थी सब का रिजल्ट मिल चुका है। ये 2 मोड थे GW बेसिक के जिन पे हमने बात की। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम बात करते हैं राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक, कि GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम को कैसे राइट किया जाता है, इसके कुछ असूल होते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर इस एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट, राइटिंग प्रोग्राम इन GW बेसिक, इसके लिए हमें GW बेसिक जो चीज़ प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं
IDE. IDE का क्या मतलब है? I stands for integrated, D stands for development and E stands for environment. राइटिंग प्रोग्राम के अंदर जो काम हम कर सकते हैं वो है कि हम प्रोग्राम को रीड कर सकते हैं, प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइटिंग प्रोग्राम के अंदर जो काम हम कर सकते हैं वो ये हैं और जो IDE एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2.3.1, क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम। क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम के अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है अब हम उन पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं द प्रोग्राम इज द फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स फॉर द कंप्यूटर्स। कि जो प्रोग्राम होता है वो एक फाइल होती है जो ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होती है जो कि कंप्यूटर के लिए होती हैं। इन GW बेसिक प्रोग्राम लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। जो प्रोग्राम की लाइन है GW बेसिक के अंदर उसका फॉर्मेट क्या होता है वो ये है, लाइन हैश स्टेटमेंट्स। वेयर लाइन हैश इज एन अनसाइंड इंटीजर, ये अनसाइंड इंटीजर है, इन द रेंज फ्रॉम, ये जो लाइन हैश है इसका मतलब ये है कि हमारे जो नंबर हैं इंटीजर उनकी जो रेंज होगी फ्रॉम 0 to 65529, यानी 65529 जो रेंज है फ्रॉम 0 to 65529, एंड स्टेटमेंट इज एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट वैलिड होगी जब उसकी रेंज 0 से लेके 65529 तक होगी। अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 करेक्टर्स। 255 करेक्टर, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि GW बेसिक के अंदर जो एक लाइन लिखी जाती है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, एक लाइन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 255 करेक्टर हम लिख सकते हैं। एक लाइन कितने करेक्टर पर मुश्तमिल हो सकती है? 255। हाउएवर देयर मे बी मोर देन वन स्टेटमेंट ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं, जबकि जो करैक्टर हैं वो सिर्फ 255 ही होंगे। इफ़ सो ईच मस्ट बी सेपरेटेड बाई कॉलम, जब हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस
लाइंस वगैरह लिखते हैं तो मुख्तलिफ सिंबल के ज़रिए हम लाइन को सेपरेट करते हैं, स्टेटमेंट को सेपरेट करते हैं। जबकि जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर जब हम एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से एक लाइन के अंदर सेपरेट करेंगे तो हम जो साइन यूज़ करेंगे वो है कॉलन का। कौन सा साइन यूज़ करेंगे? कॉलन का। बेसिक लैंग्वेज के अंदर जब भी हम एक लाइन के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉलन का साइन यूज़ करते हैं। The program's statements are executed depending on line number in ascending order. जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती है वो जब भी एग्जीक्यूट करेगी वो डिपेंड करेगी उस प्रोग्राम के असेंडिंग ऑर्डर पे। ऐसा हो सकता है कि लाइन का नंबर मुख्तलिफ हो जाए, मसलन 10 के बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो तो 20 है और 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। अगर 40 के बाद हम लाइन नंबर 100 लिख दें तो इसका मतलब ये है, और फिर 100 के बाद हम 50 लिखें, कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर को देखेगा। प्रोग्राम में हम लिख तो सकते हैं लाइन डिफरेंट लाइन नंबर, मगर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो असेंडिंग ऑर्डर को देखेगा। पहले लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर 20 को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर 30 को एग्जीक्यूट कराएगा, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा। फिर देख लेते हैं उन प्रोग्राम को। इनडायरेक्ट मोड के जो प्रोग्राम हम देखें, जब भी एग्जीक्यूट करेगा लाइन नंबर 10 को पहले एग्जीक्यूट करेगा, देखे लाइन नंबर 10 का आंसर 9, और फिर एग्जीक्यूट करेगा लाइन नंबर 20 को। अगर ये 20 की जगह 100 वाली लाइन लिखी होती तो फिर भी इसने 100 वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं था कराना, 20 वाली लाइन को एग्जीक्यूट कराना था। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ लाइन 45 इज टाइप आफ्टर लाइन 60, लाइन 60 के बाद 45 लाइन को आपने टाइप कर दिया, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन नंबर लाइन 45 बिफोर लाइन 60। कंप्यूटर जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा तो असेंडिंग ऑर्डर से ही कराएगा, पहले लाइन 45 को एग्जीक्यूट कराएगा और फिर लाइन 60 को एग्जीक्यूट कराएगा। जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर जो काम हम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डाटे को वैलिड टाइप कर सकते हैं, ये देखते हैं। इन जी डब्ल्यू बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड, ये वो प्रोसीजर्स हैं जो मस्ट यूज होते हैं। प्रेस द F4 की और टाइप सेव कमांड। जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसको स्टूडेंट सेव करने की ज़रूरत होती है। प्रेस द F4 की और टाइप सेव कमांड। प्रोग्राम को सेव करने के लिए दो तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, कि डायरेक्टली कमांड F4 की को प्रेस करें या सेव कमांड को टाइप करें। नेक्स्ट, टाइप अ वैलिड नेम
यहाँ उस फाइल का एक नेम टाइप करेंगे जो वैलिड होगा इन क्वेट्स फॉर द प्रोग्राम एंड प्रेस द एंटर। एक वैलिड नाम लिखेंगे जो क्वेट्स के अंदर लिखेंगे और फिर हम एंटर को प्रेस करेंगे जो कि उस फाइल को उस प्रोग्राम को सेव करने के लिए साइन होगा। द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। जो नाम हमने टाइप किया, जो नाम हमने लिखा, उस नाम से हमारी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारा टॉपिक है, वो है लोड द प्रोग्राम। लोड द प्रोग्राम के अंदर आर्टिकल नंबर 2.3.2 लोड द प्रोग्राम। लोड, जब प्रोग्राम को हम लोड करते हैं तो कौन कौन सी कमांड यूज करते हैं? लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं तो राइट करने के बाद किसी भी नेम से हम उसको सेव कर लेते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर, चाहे हम मुख्तलिफ सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम लोड करेंगे। जैसे ही हमने लोड करना चाहा तो वो उस सेकेंडरी डिवाइस से, सेकेंडरी स्टोरेज से, वो हार्ड डिस्क भी हो सकती है, कोई दूसरी यूएसबी भी हो सकती है, वहाँ से लोड कराएगी। सो दैट इट कैन बी यूज, फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अ सेव्ड प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाई यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। एक सेव प्रोग्राम को यूज करने के लिए हम ये प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेस द F3 की और टाइप लोड कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट पर हम या तो की F3 को यूज करेंगे या डायरेक्ट कमांड टाइप करेंगे लोड की। इन दो तरीकों से हम प्रोग्राम को लोड करा सकते हैं। टाइप द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन क्वेट्स। उस फाइल का दूसरे तरीके से हम उस फाइल का जो नेम है, जिस नेम से उसको हमने सेव किया है, उसको टाइप करेंगे, जो कि क्वोट्स के अंदर हमने उसको नाम, उसका नाम सेव किया था। फिर हम प्रेस एंटर की, एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद हम उसको रन कर सकते हैं। रन करने के बाद हम उसकी वैल्यूज ले सकते हैं। द फाइल इज लोडेड इन टू मेमरी एंड इज रेडी टू लिस्ट एडिट और रन। जब हमारा वो प्रोग्राम या हमारी वो फाइल लोड हो जाती है तो फिर हम उसको लिस्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं या उसको हम रन कर सकते हैं। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पाथ इज टाइप्ड। अगर वो फाइल मौजूद ही ना हो या हम जो पाथ दे रहे हैं वो इनवैलिड हो तो फिर क्या होगा? इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आर एन इनवैलिड पाथ इज टाइप्ड,
एन एरर मैसेज इज डिस्प्ले, तो फिर हमें एक एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। कब? अगर फाइल का पाथ इनवैलिड हो या वो फाइल मौजूद ना हो। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है जानना स्टूडेंट्स। एक्सटेंशन किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी लैंग्वेज की, कि जिसके अंदर हम प्रोग्राम राइट करते हैं, उसकी एक्सटेंशन जो है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज डॉट बैस। जब भी हम GW के अंदर प्रोग्राम राइट करेंगे, अगर हमने उसको सेव करना है, तो उसकी जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगी वो डॉट बेस होगी। डॉट से पहले आप उस फाइल का कोई नाम रख सकते हैं, मगर डॉट बेस जो उसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, इसको यूज़ किए बगैर आपका प्रोग्राम सेव नहीं होगा। टू सेव द फाइल इन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर फाइल को सेव करने के लिए यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द फाइल नेम। उस फाइल की जो कंप्लीट पाथ है उसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पाथ इनवैलिड दे देंगे तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। टू सेव द फाइल इन डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द फाइल नेम, उस फाइल के नेम के साथ, अदरवाइज द फाइल विल बी सेव्ड इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ GW बेसिक। जो करंट GW बेसिक की डायरेक्टरी होती है, फिर जो वो फाइल है वहां पर सेव हो जाएगी। अगर हम कंप्लीट पाथ देते हैं तो जो पाथ हम प्रोवाइड करेंगे फाइल वहां सेव होगी। अगर हम कंप्लीट पाथ नहीं देते तो जिस डायरेक्टरी के अंदर GW बेसिक की जिस डायरेक्टरी के अंदर हम वर्क किया जा रहा है वहां पर वो फाइल सेव हो जाएगी। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इन आर्टिकल नंबर 2.3.3 लोड करने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन टू मेमरी रैम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमरी बिफोर एग्जीक्यूशन। उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले प्रोग्राम को लोड करना बहुत ज़रूरी होता है। देयरफोर टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम फर्स्ट लोड इट एज डिस्क्राइब अबव। जैसा कि ऊपर हम बयान कर चुके हैं, वजाहत कर चुके हैं कि पहले प्रोग्राम को हम लोड करेंगे फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। देन प्रेस F2, देन प्रेस F2, F2 की को प्रेस किया जाएगा आर रन आर टाइप रन कमांड, या रन कमांड को टाइप किया जाएगा उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके लिए हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल फॉलो इट, ये एग्जाम्पल दिखाई गई है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से एक जो प्रोग्राम सेव हुआ है उसको लोड किया गया, लोड करने के बाद उसको
एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रोग्राम में ये एक प्रोग्राम हमने टाइप किया हुआ है, लेट x इज इक्वल टू 10 एंड लेट y इज इक्वल टू 20। तो जो हम इसका काम कराना चाह रहे हैं वो है इन दोनों नंबर का सम फाइंड करना। प्रिंट सम x प्लस वाई, प्रिंट सम इक्वल टू x प्लस वाई। प्रोग्राम को एंड किया है और प्रोग्राम को सेव किया है। ये देखें जो एक्सटेंशन है GW बेसिक की वो भी यूज़ की है, ओके का मैसेज। जी हमारा प्रोग्राम जो है वो सेव हो चुका है। ये प्रोग्राम हमने क्या किया है स्टूडेंट, सेव किया हुआ है। अब इससे अगला जो स्टेप आता है वो है प्रोग्राम को लोड करना। ओके, अब प्रोग्राम को लोड करने के लिए हम लोड उसका पाथ जो है वो देंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद जैसे ही हमने F2 की को प्रेस किया या रन की कमांड को टाइप किया, तो देखिए हमारे पास इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है, इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमें मिल जाती है कि सम इज इक्वल टू 30। हमने जो इनपुट दी थी वो दो नंबर दिए थे, 10 और 20। 10 और 20 का हमने सम फाइंड करना था। तो देखिए हमारे पास इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो सम इज इक्वल टू 30 वो हमें मिल गया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। आर्टिकल नंबर 2.4, स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। बेसिक के अंदर हर बेसिक प्रोग्राम जो है वो इन रूल्स पर अमल करेगा। ये रूल हर प्रोग्राम में अप्लाई होंगे। रूल नंबर 1, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। जो भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट होगी वो एक लाइन नंबर से शुरू होगी। एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। हर प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होगी वो किसी ना किसी लाइन नंबर से शुरू होगी। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि बेसिक के प्रोग्राम को जब भी एंड किया जाए तो वो एंड कमांड से ही एंड किया जाए। हर प्रोग्राम को इन रूल्स की ज़रूरत होती है। पहला रूल में हमने देखा कि एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद द लाइन नंबर, कि हर स्टेटमेंट जो है वो एक लाइन नंबर से शुरू होगी। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट, कि जब भी किसी बेसिक प्रोग्राम को एंड किया जाएगा तो उस एंड कमांड से उसको एंड किया जाएगा। रिपीटिशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। बेसिक प्रोग्राम के अंदर किसी भी लाइन को रिपीट करना, इसकी इजाजत नहीं होगी। टू आर मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कोलन। दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एक लाइन के ऊपर हम लिख सकते हैं, मगर जब भी हम इन स्टेटमेंट को लिखेंगे तो उनको सेपरेट हम कॉलन से करेंगे। इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन।
बेसिक के अंदर जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं उनको डिक्लेयर किए बगैर ही हम यूज़ करते हैं। दूसरी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जबकि बेसिक के अंदर हम इस तरह नहीं करेंगे। इन अ बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। प्रोग्राम की स्टेटमेंट का फिजिकल अपीयरेंस कोई मैटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन बी अपीयर बिफोर लाइन नंबर 60। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं स्टूडेंट के लाइन नंबर 90 जो है वो लाइन नंबर 60 से पहले हम लिख तो सकते हैं, मगर जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर को अमल करते हुए सबसे पहले लाइन नंबर 60 को एग्जीक्यूट कराएगा और फिर लाइन नंबर 90 को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टर सेट ऑफ बेसिक्स। आर्टिकल नंबर 2.5 करैक्टर सेट ऑफ बेसिक्स। जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर जो करैक्टर सेट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं अब हम उन पे बात करते हैं। जीडब्ल्यू बेसिक कंप्राइजेस ऑफ अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स एंड स्पेशल करैक्टर्स। जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर हम अल्फाबेट को यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक को यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल किस्म के करैक्टर को यूज़ कर सकते हैं, मगर उनको यूज़ करने के कुछ असूल हैं। द अल्फाबेट इंक्लूड अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। जो अल्फाबेट हैं वो अपर केस भी हो सकते हैं और लोअर केस भी हो सकते हैं। न्यूमेरिक करैक्टर्स इंक्लूड डिजिट्स फ्राम 0 to 9। जो नोमेरिक करेक्टर होंगे वो 0 से लेके 9 तक हम यूज़ कर सकते हैं। जी डब्ल्यू बेसिक करेक्टर सेट इंक्लूड सम स्पेशल करेक्टर। जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर जो स्पेशल किस्म के करेक्टर हैं उनको देखते हैं। स्टूडेंट्स ये वो स्पेशल किस्म के करैक्टर्स हैं जो जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर हम यूज़ करते हैं। करैक्टर, करैक्टर के मीनिंग, ये करैक्टर हम जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर यूज़ करते हैं। आप पहले भी इनसे फैमिलियर तो होंगे मगर जी डब्ल्यू बेसिक के अंदर इनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ये हम बकायदा जब प्रोग्राम लिखेंगे तो इनका यूज़ हम देखेंगे। अब हम आर्टिकल नंबर 2.6 पे बात करते हैं जो है आर्टिकल नंबर 2.6 रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स आर की वर्ड्स आर द वर्ड्स। जो रिजर्व वर्ड होते हैं वो वर्ड्स की वर्ड्स होते हैं विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। जिनके बेसिक के अंदर प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। दीज हैव प्री डिफाइंड यूजेस एंड कैन नॉट बी यूज आर रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पज इन द बेसिक प्रोग्राम। इनके प्री डिफाइन यूजेज होते हैं जिनको रीडिफाइन नहीं यूज़ किया जा सकता। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। इन कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइन मीनिंग के लिए ही यूज़ होते हैं। सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ बेसिक आर दिस। कुछ बेसिक के कीवर्ड्स जो हैं वो ये हैं, इफ़,
else, then, while. ये वेरिएबल नेम के तौर पर यूज नहीं होंगे, ये रिजर्व वर्ड हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएबल पे. आर्टिकल नंबर 2.7 वेरिएबल्स. स्टूडेंट, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आप उन वैल्यूज को कह सकते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकें. वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन. मेमोरी लोकेशन का कोई नाम होता है जिनको वेरिएबल कहते हैं. वो मेमोरी सेल भी हो सकते हैं. विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. वेरिएबल नेम जो हैं वो प्रोग्राम की इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स और उसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट होते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ही मिल जाते हैं. एज द नेम्स सुगेस्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. लफज वेरिएबल से ही पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू चेंज होगी. तो एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ही इन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है. इफ अ वेरिएबल इज असाइन नो वैल्यू, अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं होती, द GW बेसिक अज्यूम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू बी जीरो. तो GW बेसिक उस वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करेगा वो वैल्यू जीरो होती है. इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड नल टू स्ट्रिंग, अगर तो न्यूमेरिक वेरिएबल होंगे तो फिर वैल्यू जीरो साइन होगी, अगर वो स्ट्रिंग वेरिएबल होंगे तो उसके लिए नल वैल्यू होंगी. आज के लेक्चर की जो समरी है वो देखते हैं स्टूडेंट, कि आज हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, किस किस टॉपिक पे हमने बात की. आज के लेक्चर की जो समरी है, इंट्रोडक्शन टू GW बेसिक. सबसे पहले हमने GW बेसिक के इंट्रोडक्शन पे बात की. मोड्स ऑफ ऑपरेशन, GW बेसिक के मोड्स पे हमने बात की. राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक, के GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है उस पे हमने बात की. स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, के बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने उस पे बात की. करेक्टर सेट ऑफ अ बेसिक, बेसिक करेक्टर, बेसिक में जो करेक्टर सेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमने उनका ओवरव्यू देखा. रिजर्व वर्ड्स, बेसिक के अंदर जो रिजर्व वर्ड होते हैं हमने उनके बारे में देखा. वेरिएबल, और लास्ट पे हमने बात की वेरिएबल पे. रिजर्व वर्ड और वेरिएबल पे हमने लास्ट पे बात की. आज का लेक्चर इख्तिताम पर होता है. नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.